हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मसाला ब्रेड टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप एज ए ब्रेकफास्ट खा सकते हैं या फिर आप बच्चों को स्कूल में लंच में भी दे सकते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी जानने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो कीजिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है स्टफिंग, और इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 से 3 मीडियम साइज के बॉयल आलू। इस बॉयल आलू को हमें बहुत ही अच्छे से स्मैश कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी लम्स ना रहे। आलू को अच्छे से स्मैश कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड गाजर, फाइनली चॉप टमाटर, फाइनली चॉप कैप्सिकम और फाइनली चॉप प्याज। मसालों में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्के से पिसी हुई रोस्टेड साबुत जीरा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 3/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा फाइनली चॉप हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अभी सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्मैश आलू तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे ब्रेड के ऊपर एक लेयर बना लेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी ब्राउन या फिर व्हाइट ब्रेड ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। सेम वे में हम बाकी ब्रेड के ऊपर आलू को स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रखिए कि आलू को इक्वली ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है। सारे स्लाइसेस को रेडी कर लेने के बाद हम इसको फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे इसका बैटर। और इसके लिए हमें एक बोल में लेना है 2 एग, 1 टीस्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस और 1/3 कप दूध। अब इन सारी चीजों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू के स्टफिंग में मैंने ऑलरेडी नमक ऐड किया है, इसलिए इस बैटर में मैं नमक नहीं डालूंगी, पर आप चाहो तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हो। अब हमें ब्रेड को बहुत ही अच्छे से बैटर से कोट कर लेना है। अभी इसको फ्राई करने की बारी। हमें इसे शैलो फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम में लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। हमें दोनों साइड को ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। सर्विंग के टाइम ऊपर से मैंने थोड़ा सा ग्रेटेड चीज स्प्रेड कर लिया है। आप चाहो तो इसके बदले चॉप धनिया पत्ता भी यूज कर सकते हो। मसाला ब्रेड को आप टोमेटो के चॉप या फिर हरी चटनी के साथ अगर खाओगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सो आई होप दोस्तों कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक कीजिए। मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।